गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्पेलिंग्स पांचवें लेसन की जो है वो हम कर रहे थे, उसी क्रम में आज फिर जो है वो कुछ स्पेलिंग्स लेकर के, जो कि पार्टी लास्ट स्पेलिंग है, लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बाकी दिन में जो स्पेलिंग हम कर रहे थे उनसे ये स्पेलिंग जो है वो थोड़ी कुछ जो है वो अलग है। इसमें जर्मन इंग्लिश का जो है वो प्रयोग किया गया है, तो धीरे धीरे जो है वो हम इन स्पेलिंग्स को जो है वो समझेंगे और उनका जो है वो अपने यहाँ की इंग्लिश के अनुसार जो है किस प्रकार से आप निकलता है, क्या होता है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्पेलिंग है सपोज S U W P O S T सपोज संभवतया हिंदी अर्थ। उसके बाद है वांड। अब वांड जो है WANT, अपने यहां पर इसको कहते हैं वांड, ठीक है, यानी चाहना। फिर है इंडिकेट, INDICAT, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना। फिर है इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, इट्स मैंने बताया था, इट्स है ये ITS, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, पीस जो लिखा है इसमें BIECE, पीस को अपने यहाँ पर कहेंगे पीस, BIECE, पीस यानी टुकड़ा होता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, आपने पूछा हो जाएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस यानी ये एक सुंदर टुकड़ा है। नेक्स्ट है अब्रॉड, ABROAD, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश में। और फिर है उसके बाद में पिंच्ड, PINCHED, वर्ब का सेकंड फॉर्म है पिंच्ड। और पेस्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है वो बीमार होता है, सर्दी लग जाती है, जुकाम वगैरह होता है, तो उससे उसका चेहरा जो है पीला हो जाता है, तो उसको जो है वो पेस्ट कहा जाता है, उस चेहरे को जो है वो पेस्ट कहा जाता है। फिर है वॉन, WORN, वॉन का मतलब होता है थका हुआ या बुढ़ा, बुढ़ा या थका हुआ। और फिर है जेन्यूनली, GENUINELY, जेन्यूनली का मतलब होता है वास्तव में। फिर लिखा इट इज अ ब्लैक डाई, यहां पर बोल सकते हैं इट का तो मतलब इट, मैंने पहले समझा दिया आपको, इट यानी इट हो गया, इज अ ब्लैक, ब्लैक लिखा ब्लैक, GLACK, ब्लैक, और इसको हमारे यहां पर कहते हैं स्लैग, ठीक है। स्लैग का मतलब होता है खाली, खाली। और डाइम का मतलब यहां पर डाइम लिखा है DIME, डाइम को हमारे यहां पर कहते हैं टाइम, ठीक है। तो खाली समय होता है, और यहाँ पर लिखा है मंदी का समय, मंदी का समय, मंदी कब होती है, जब कोई ग्राहक वगैरह नहीं आता है, बिक्री जब नहीं होती है, तब मंदी होती है, वो तो खाली समय कहलाता है, एक ही बात है। उसके बाद शब्द है आपके सामने गिवन अप, छोड़ दी, सेकंड फॉर्म है उसका GIVEN UP, फ्रेज है ये गिवन अप, छोड़ दी। फिर फ्लू, FLU, फ्लू वर्ब का सेकंड फॉर्म है बाधा। फिर है स्प्लेंडिडली, SPLENDIDLY, स्पेंडिडली, बहुत सुंदर तरह से या बहुत सुंदर तरीके से। फिर I had given those boots up का मतलब होता है कि मैंने सोचा कि वे बूट अब कभी नहीं आएंगे। फिर प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। फिर स्टार्व, STRV, स्टार्व का मतलब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये भी स्टार्व,
स्टार्टर में बताया भूख से मर गया। फिर सुनो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख से मरना, धीरे-धीरे भूख से मरना। S on A, S on U, S on N, E, C, O, B. Competition आप समझते हो, C, U, N, P, E, T, I, T, I, O, N. Competition का मतलब होता है प्रतियोगिता। फिर advertised, word का second form है advertised से बना है advertise, A, D, B, R, T, I, S, E, D, advertise ने विज्ञापन दिया, और advertise का मतलब होता है उनका first form जो आया है बताता है विज्ञापन देना। फ्लावरिंग एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर वाई, फ्लावरिंग का मतलब होता है दिखावा या आडंबर पूर्ण, दिखावे से पूर्ण। सेइंग का मतलब होता है लोकोक्ति, एस ए वाई आई एन जी, सेइंग लोकोक्ति यहाँ कहा। फिर सब दाता किसम है पेनी, पी ई डबल एन वाई, पेनी का मतलब जो होता है सिक्का होता है, ये सिक्का जो है ब्रिटिश सिक्का होता है जो भूरे रंग का होता है, और सिक्कों में सबसे छोटा छोटा जो है वो सिक्का ये कहलाता है, पेनी कहते हैं जिसको, और भूरे रंग का होता है, और ब्रिटिश में जो है ये चलता है। फिर है रेंट, आर एन टी, रेंट का मतलब होता है किराया, और रेगुलरली लेट इन हायर गो आउट, इसका शाब्दिक पूरे का शाब्दिक अर्थ होगा नियमित रूप से कमजोर होता गया। फिर कैरेक्टर, सी एच ए आर ए सी टी आर, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति या विशेष व्यक्ति। तो ये जो है इस पार्ट की आपकी जो महत्वपूर्ण स्पेलिंग्स जो थी वो हम समाप्त हमने जो है वो कर दी। अब जो है टोटल स्पेलिंग्स मेरे हिसाब से लगभग 75 से कुछ ऊपर जो है वो हो गई है, तो इन स्पेलिंग्स को जो है वो याद करना है। और अब मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ एक आध पैराग्राफ जो है वो कर लिया जाए। पहला पैराग्राफ जो है वो इसको हम कर देते हैं क्योंकि टाइम भी जो है वो है। पहला पैराग्राफ जो है उसका कर लेते हैं। सबसे पहले कहानी का शीर्षक जैसे कि क्वालिटी, जिसका हिंदी अर्थ गुण होता है, तो ये स्टोरी जो है वो किसके गुणों के बारे में, किस प्रकार के गुण के बारे में या गुणों के बारे में जो है वो बताती है, किसके बारे में कहानी है। तो इसको, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसका परिचय जो है वो कर लेते हैं कि क्या किसी जूता बनाने वाला जो होता है जिसको हम मोची कहते हैं तो कलाकार कहा जा सकता है, या क्या हम मोची को कलाकार कह सकते हैं, क्या मोची कलाकार है? हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। यदि वो किसी अन्य कलाकार की तरह अपने व्यवसाय में दक्षता और गर्व महसूस करता हो और साथ ही इसके प्रति ठीक वैसा ही सम्मान भी रखता हो, दूसरे कलाकार जिस प्रकार से अपने कार्य में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं और उस कार्य को करने में गर्व का अनुभव करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, और अपने पैसे के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान रखते हैं, अगर ऐसा मोची भी अगर रखता है तो उसको भी कलाकार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो भी कलाकार ही कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर गुण उसमें है तो यहां पर तो इस कहानी में जो है वो है जर्मन मोची मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर उसका नाम है, श्रीमान गेस्लर जर्मनी के रहने वाले हैं, पैसे से मोची हैं, शू मेकर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, शू मेकर जूते बनाने वाले,
इस कला में निपुण है, जूते बनाने की कला में वह निपुण है, अर्थात पूर्ण कलाकार है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा या हम ये समझेंगे इस कहानी से कि वे अपने जीवन को, गैसलर जो है वो अपने जीवन को अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार से समर्पित कर देता है। मतलब श्रीमान गैसलर अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी किसी मोची जिसका नाम गैसलर है उनके किसी प्रकार के गुणों के बारे में है। और क्या गुण है इसको विस्तार से जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा। इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ जो है वो मैंने केवल स्टार्ट करवाया है क्योंकि टाइम इतना ही है, इसलिए हम इतना ही जो है वो समझ पाएंगे। लिखा है, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माय एक्सट्रीम यूथ। आई knew him from the days of my extreme youth. Extreme youth युवा अवस्था कह सकते हैं। और new KNEW know का सेकेंड फॉर्म है, जानना होता है know का, KNOW उसका सेकेंड फॉर्म है, यानी जाना या जानता था। तो इस लाइन का, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ का मतलब हुआ कि मैं उनको मेरी युवा अवस्था से जानता था, मैं उनको मेरी युवा अवस्था से ही जानता था। क्यों जानता था, कैसे, कहाँ मिला, इसके लिए इसका कारण भी बताया है। कैसे जानता था, क्यों जानता था उनको, बिकॉज ही मेड है, MAD, गलती से MAD कर दिया है मैंने, मेड है, मेड, MAD, मैड। क्यों जानता था, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे, मेरे पिताजी के जूते हुआ है उसके द्वारा बनाए गए थे, इसलिए मैं उनको अपनी युवा अवस्था से ही जानता था। He lived with his elder brother in his shop. वो अपने बड़े भाई के साथ उनकी दुकान में ही रहता था। वो मोची जो है, श्रीमान गैसलर जो है, वो अपने बड़े भाई के साथ उनकी दुकान में ही रहता। Which was in a small by street in a fashionable part of London. ये उनकी दुकान जो है वो लंदन के जो सम्भ्रांत इलाका है, जो पैसे वाले लोगों का, शक्तिशाली लोगों का जो इलाका है लंदन का, सम्भ्रांत कॉलोनी जो है उसकी एक छोटी सी गली के अंदर उनकी दुकान थी। वहां पर ये अपने बड़े भाई के साथ में रहते थे। और लेखक इनको इसलिए जानते थे क्योंकि लेखक के पिताजी के जूते जो है वो श्रीमान गैसलर के द्वारा बनाए गए थे, और श्रीमान गैसलर जो है वो जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो इतना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, समझ गए हम। मतलब श्रीमान गैसलर एक मोची थे, अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और जर्मनी के रहने वाले थे। लंदन में जो सम्भ्रांत इलाका जो था उसकी एक छोटी सी गली में अपने बड़े भाई के साथ दुकान के अंदर ही रहते थे।
और लेखक उनको युवा अवस्था से ही जानता था। तो ये स्टार्ट कर दिया आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ, और कल जो है हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, कैसे काम करता था वो, क्या उसमें और क्या क्या गुण थे, इन सभी चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।